हेलो गाइस, कैसे हो आप सब? आई होप सब ठीक होंगे। तो आज हम बनाने जा रहे हैं दाल बाटी। तो बारिश का मौसम हो रहा था तो हमने सोचा आज दाल बाटी बनाई जाए, तो उसी की तैयारियां चल रही है हमारी। ओह माय गॉड, वाओ! अब मेरे आटे भुनने की सारी तैयारी हो चुकी है। मैंने हल्दी, अजवाइन सब कुछ डाल दिया है। अब तेल डालना बाकी है, फिर मैं इसमें तेल मिक्स करूँगी। तो आप लोग कैसे बनाते हो दाल बाटी, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना क्या क्या इंग्रेडिएंट्स उसमें डालते हो और कैसे बनाते हो। वैसे ऐसे भी बहुत स्वादिष्ट बनती है, पर इससे भी स्वादिष्ट दाल बाटी तो गाँव में बनती है दोस्तों। जो लोग गांव से हो तो बहुत अच्छे से समझते होंगे, और जो लोग नहीं है वो एक बार ज़रूर ट्राई कीजिए। जो गोबर के ओपले हों उन पे बाटी बनती है, उसका तो मुकाबला ही नहीं कर सकते हैं कोई। तो जो लोग जानते होंगे वो तो समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाहती हूँ, और जिन लोगों को नहीं पता वो एक बार ज़रूर खाइएगा गोबर के ओपले हों उन पे बनी बाटी का स्वाद कैसा होता है। तो हम तो जब भी गाँव जाते हैं हम स्पेशली बनवाते हैं। जैसे कहीं पे भी जाते हैं, गांव में घर पे जाते हैं, सिस्टर के यहाँ जाते हैं, किसी के घर भी गांव में जाते हैं, तो हम ज़रूर स्पेशली दाल बाटी बनवाते हैं। हमें दूसरी चीज़ खाने का इतना शौक़ नहीं आता है गांव जाके जितना दाल बाटी। तो जब भी हम जाते हैं भले 2 दिन रुकते हैं, 3 दिन रुकते हैं, पर एक दिन तो स्पेशली दाल बाटी बना के खा के आते हैं। तो कभी अभी मैं कभी गाँव जाऊँगी तो आपको ज़रूर बताऊँगी कि हम कैसे बनाते हैं वहाँ पर गोबर के ओपले उन पर दाल बाटी, तो आपको ज़रूर बताऊँगी। और आप लोग बताना कमेंट में, जिन लोगों ने खा रखी है वो भी बताना। और हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ प्लीज़ दोस्तों एक लाइक तो कर दिया करो। आपके एक लाइक में कुछ नहीं जाता है पर हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, तो प्लीज़ गाइस कर दिया करो। अब मेरी तैयारी हो चुकी है, बाटी बनने वाली है। तो थैंक यू सो मच। और सब्सक्राइब नए हो तो